जीवन का अर्थ और अर्थमय जीवन। इसको देखने के अनेक दृष्टि हो सकते हैं, राजनीतिक के दृष्टि से भी जीवन को देखा जाते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी, दार्शनिक दृष्टि से भी, और धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीवन के अर्थ अलग अलग करते हैं। जीवन के अर्थ अलग अलग करने के अतिरिक्त जो व्यक्ति जीवन जी रहे हैं वो भी अपने जीवन के अर्थ को या तो कभी सोचते नहीं हैं जीवन का अर्थ क्या है, इस पर प्रश्न नहीं जाते हैं। प्रश्न जाते हैं तो वो अपने अपने समस्याओं की या आकांक्षाओं के संदर्भ में जीवन का अर्थ को देखते हैं। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके कारण जीवन के अर्थ को देखने की जो प्रेरणा मन में आते हैं या उसकी चेष्टा करते हैं, उससे कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा बहुत प्रचलित कहानी, पांच छह अंधेओं ने हाथी को टटोला था और हर व्यक्ति के पास हाथी का अलग अलग चित्रण प्रस्तुत हुए थे। उस तरह से जो जिस दृष्टिकोण से, जिस संदर्भ से या जिस अभिलाक्षा से जीवन का अर्थ को ढूंढते हैं, सो उसी संदर्भ में और उसी हिसाब से जीवन के अर्थ का अपना अपना व्याख्यान कर लेते हैं या बैठा लेते हैं। और उसमें जीना सरल लगता है, बहुत अटपटा नहीं लगते हैं। सचमुच जीवन के अर्थ को अगर कोई समझते हो या उसकी आभास हो जाए तो उनको जीने में असुविधा अनुभव होने लगता है। जीने में असुविधा इसलिए अनुभव होता है कि जीवन का अर्थ असल में स्वाधीन या स्वराज जीवन के अर्थ होना चाहिए और है भी, परंतु बहुत गिने चुने में लोग ऐसा मिलते हैं स्वराज्य तौर से अपने जीवन को जी सकें। जीवन अधिकांशतः चारों तरफ की जो शक्तियां हैं, हवा बह रही हैं आपके ऊपर, एक प्रकार से अपने अपने अनुकूल करने की जो दबाव हैं उसकी खिंचतान के अंतर स्वाधीनता को, स्व पहचान को या स्वराज को खो देते हैं और दूसरों की इच्छा अनुसार, या इसको और दूसरा शब्द कहें तो गुलामी के रूप में, दासता के रूप में जीते हैं। आज जिस प्रकार की जो
आधुनिक प्रथा जिसको सभ्यता कहने में भी थोड़ा संकोच होता है, आधुनिक असभ्य अगर हम कहें उसमें हम लोग कोई व्यक्ति की अस्मिता के रूप में जीते नहीं हैं, हम केवल उपभोग मात्र करने वाले एक दास हैं। हमें रोज अधिक से अधिक उत्पादनों का उपभोग करना होता है। उपभोग अर्थ ये है कि उसको एकदम समाप्त कर दिया जाना, अंग्रेज में कंज्यूम। अंग्रेज में दो शब्द हैं, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन, उपयोग और उपभोग जो अपने भाषा में हैं। हम उपयोग करने की, किस चीज़ के उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, हमको उपभोग करना है और ख़त्म करते चले जाना है। जो भी संसाधन हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन जिसके साथ हम सहज रूप से जीना संभव नहीं रह गया है, असहज रूप से उन सारे संसाधनों को खपते हुए, समाप्त करते हुए और अधिक से अधिक बाजार से सामग्री क्रय करने की, खरीदने की जो प्रयास करते हैं या क्षमता रखते हैं उसको समझते हैं एक उपभोगिता, कंज्यूमर, और उसके लिए निरंतरता एक दूर से नियंत्रण करने वाले, जिसको अंग्रेज में रिमोट कंट्रोल करते हैं, रिमोट कंट्रोल से जिसको हमको स्पष्टता से जात नहीं है, उससे हम संचालित हैं। तो इसलिए हम जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन को मात्र खर्चा कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं और उसको उपभोग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जीवन का अर्थ समझना या जीवन के अर्थ खोजना, खोजने के लिए, जीवन का अर्थ खोजने के लिए, शोधकर्ता होने के लिए भी थोड़ा बहुत अर्हता चाहिए, योग्यता चाहिए। उस योग्यता को भी लगभग हमने समाप्त कर दिया है। तो ऐसा परिस्थिति में मैं बहुत भ्रमित हूँ कि हम सब एक सामूहिक रूप से जीवन के अर्थ को कैसा गवेषणा किया जाए, कैसा खोजा जाए और उसको समझने की कैसा प्रयास किया जाए। जीवन और मरण, ये दो घटनाएं हैं जो व्यक्ति की संदर्भ में घटते हैं। जन्म लेते हैं, जीते हैं या जिलवाते हैं, फिर मर जाते हैं, और ये एक यात्रा या एक कल अवधि के बीच में व्यक्ति का एक व्यवस्था खींचते चले जाना ये दिखाई दे रही हैं। तो इसको हमें जीवन तो कहना ही पड़ेगा। जन्म और मृत्यु की मध्य में जो कलावधि हैं और जिसमें हम अपने को घसीटते हैं,
मरे हुए जैसे भी हो तभी हम घसीटना पड़ता है जिसको हम जीवन की संज देते हैं। जीवन यथार्थ में एक कार्यशीलता होना चाहिए। व्यक्ति का एक संरचना है, वह संरचना में तीन अवयवी हैं या तीन घटक हैं, वो तीन घटक इकट्ठे होते हैं और उसका समन्वय और उसकी समता ठीक से चलता है, संतुलन से चलता है तो उसको जीवन कहलाते हैं। ये तीन घटक हैं काया, वाक और चित्त। काया का अर्थ देह, शरीर, और वाक माने वाणी, आवाज़, बोली, भाषा। चित्त जाने की, सोचने की और परिकल्पना करने की जो शक्ति हैं, धार्मिक दृष्टि देखा जाए जो संतत पूर्व जन्म से आ करके इस जन्म में और अगले जन्म में भी चले जाते हैं। जो जन्म जन्मांतर नहीं मानने वाले हो उस हिसाब से भी जो मन का संतति है, चित्त संतत हैं, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतरता उसका रहता है। और जन्म जन्मांतर नहीं मानने वाले को ये मालूम नहीं है शरीर का मृत्यु होता है तो उस चित्त संतत का क्या होता है, कहाँ जाते हैं, जिसका साइंस दान वालों के पास कोई प्रमाणिक दृष्टि नहीं है कि वो भी समाप्त होता है या अथवा समाप्त नहीं होता है। ये तीन घटकों का समूह इकट्ठे होते हैं और वो परस्पर आश्रित हैं और परस्पर संबंध समय की दृष्टि से, समय के रूप में संबंध संतुलित रहता है तब मनुष्य जीवित, मनुष्य या जो भी व्यक्ति हैं वो जीवित माना जाता है। शरीर और वाक्य की साथ चित्त संबंध विचित हो जाता है तब तो उस समय मृत्यु कहलाते हैं। उस समय मृत्यु इसलिए कहता है कि वो तीनों का गठन विघटित होता है तो क्रियाशीलता कुछ कम करने के योग में नहीं रहते हैं, अभिव्यक्त करने के योग में नहीं रहते हैं, वो आजाद जैसा हो जाते हैं, अक्रियाशीलता हो जाते हैं तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो ये तीनों समूह एक दूसरे पर अच्छे प्रकार आश्रित होते हुए और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए रहता है तब हम कार्य संपादन कर सकते हैं। कार्य संपादन करने में चित्त प्रधान है और चित्त माना जाते हैं मूल स्वभाव में वह किसके अधीन नहीं है, वह स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। वह स्वतंत्र जब तक रहता है तब तक वाचिक और कायिक कार्य चित्त की इच्छा अनुसार या निर्देशन अनुसार चलता है।
तो उसमें विवेक के जो स्थान हैं विशेष रूप से मानव समाज में, मनुष्य की संदर्भ में, जो मनुष्य को पशु जगत से पृथक करने वाले एकमात्र चीज़ हैं, वो हमारा विवेक और परिकल्पना की जो क्षमता है वही है। तो वह अकार्य और कार्य की बीच में भेद करता है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कुशल कार्य क्या है, अकुशल कार्य क्या है, उसको विवेक करते हैं। और उसको विवेक करने के लिए जो विवेक करने वाले जो कर्ता चित हैं, वो अपने सेज रूप में, स्वतः के रूप में स्थित होना चाहिए। परंतु हमने उसकी स्वायत्तता को, उसकी स्वाधीनता को अनेक माध्यम से, जिसमें तथाकथित सभ्यता, समाज, वांग्मय और आधुनिक एजुकेशन, जैसा पहले कहा गया है, शिक्षा तो समाप्त हो गए, तो इसमें केवल एजुकेशन रह गया है। एजुकेशन का अर्थ है एक प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग। इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग की कम इकट्ठे करके वो एक सुव्यवस्थित रूप से 15-20 वर्ष तक मनुष्य को ऊपर चलाते रहते हैं, जिसको एजुकेशन कहते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर मैकॉले की बहुत सोच समझ करके बनाए हुए जिस पद्धति हैं, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से इंडोक्ट्रिनेशन भी हो जाता है, ब्रेन वॉशिंग भी हो जाता है, जिसके कारण हमने स्वतः को खो दिया है। स्वतः को खोने की कारण हमारा जीवन का अर्थ नकल करना ही रह गया है। जितना अच्छा नकल करेंगे उतना हम अच्छे जी रहे हैं या अच्छे जीवन का अर्थ समझ रहे हैं। नकल करने में थोड़ा पिछड़ा जाते हैं या ठीक ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसको अविकसित, पिछड़ा और अनएजुकेटेड गौरा ऐसा समझ दिया जाता है। इन दोनों के बीच में मूल रूप से भेद मात्र यथार्थ को देखने की दृष्टि भेद होता है। अपने चारों तरफ की जो कुछ घटनाएं घट रहे हैं उसके यथार्थ को बिना कोई एक प्रकार से परिवर्तित किए हुए, एक प्रकार से उसको घुमा फिरा करके, जैसा रंग वाले चश्मा के माध्यम से कोई चीज़ को देखते हैं तो उसके रंग बदल जाते हैं, उस तरह से हम देखने के अधीन हो गए। इस संदर्भ में मैं बहुत बार कहता हूँ कि अंग्रेज में जो सेवेज का शब्द है वो सेज मनुष्य के लिए, जिसके ऊपर बहुत सा इंडोक्ट्रिनेशन नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्य के लिए वो शब्द ठीक लगता है। मैंने इस शब्द को
चिप सियाटल की पत्र जो वाशिंगटन की मुख्य को लिखा गया, अब वो पत्र नहीं लिखा गया उस पर विवाद है, कोई बात नहीं, एक पत्र उपलब्ध हैं, उसमें वो बार बार कहते हैं आई एम ए सेवेज देयरफॉर आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, आई एम ए सेवेज आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सेल और परचेज द मदरलैंड द नेचर द फॉरेस्ट। तो एक संतुलित दिमाग वाला को ये समझ में नहीं आएंगे कि प्रकृति के ऊपर मानव का स्वामित्व कैसा होता है या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जो एजुकेटेड हैं, जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है, वो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हर चीज़ व्यक्ति की स्वामित्व में होना चाहिए, वो उसके मालिक होना चाहिए। प्रकृति का एक ही प्रथा से अपने स्वभाव या स्वाधीनता है ही नहीं, इस प्रकार की दृष्टि देखते हैं तो उसका इस प्रकार के दृष्टिभेद को जब यथार्थ को देखने के लिए अनएजुकेटेड होना इस समय एक प्रकार से अनिवार्य लगता है। तो इसलिए हम जीवन के अर्थ को देखते हुए कठिनाई ये अनुभव होता है कि जीवन एक स्वैच्छिक कार्यशीलता को कहना सही होगा या नकलची दास्ता के रूप में जीवन को खपना वो अर्थ में यथार्थ में बैठेंगे। तो ये दो बिल्कुल दो पृथक दृष्टिकोण हैं, उससे देखेंगे। मैं अपने पक्ष कुछ नहीं रखूँगा, तो उससे जीवन का अर्थ निकालना चाहिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये पहला जो पक्ष हैं, विषय हैं जीवन का अर्थ, उसमें मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। अब दूसरा जो भाग हैं अर्थमय जीवन, तो मैं तो ज़्यादा सुविधा जनक लगता है इसको अर्थमय की जगह पर अर्थपूर्ण, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, कहा जाए तो शायद बातचीत में ज़्यादा सरलता होंगे। जीवन को अर्थपूर्ण कैसा किया जाए, वो जीवन के अर्थ से ये अर्थपूर्ण या अर्थमय कैसा किया जाए, वो भी अपने आप उस संदर्भ से निकलना चाहिए। लेकिन भारतीय परंपरा में जीवन के अर्थ व्याख्यान करते हुए लगभग सभी दार्शनिक परंपराओं का एक मत है चतुष्पुरुषार्थ का पुरुषार्थ जिसको कहा गया है। यहाँ पर पुरुष के शब्द स्त्री पुरुष के संदर्भ में नहीं किया गया है, व्यक्ति मात्र या मनुष्य मात्र के लिए पुरुष का शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इस पुरुष के शब्द का अर्थ होता है क्षमतावान, जिसकी पास कार्य संपादन करने की क्षमता और योग्यता या शक्ति विद्यमान है,
उसको पुरुष कहा जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त जो जीव जंतु हैं उनको पुरुष नहीं कहते हैं, क्योंकि वो केवल जीवन यापन के लिए कार्य कर सकते हैं, पेट भरने के लिए भोजन खोजने की और अपने को सुरक्षित रखने की बाह्य चुनौतियों से, खतरा से रहने के लिए जगह का व्यवस्था करने की, संतान उत्पन्न करना और उसको पालन करने की, इतना क्षमता पशु जगत में भी विद्यमान है। उसके अतिरिक्त पशु जगत में विवेक नहीं है और जीवन को विकसित करने की क्षमता नहीं है। यही कि जीवन और परलोक जीवन दोनों की हित को समझने की और उसका साधने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए उसको पुरुष नहीं कहा जाता है। मनुष्य को पुरुष इसलिए कहा जाता है, मनुष्य में यह क्षमता है, वो सोच सकते हैं, बहुत दूर तक सोच सकते हैं, तो सोच विचार करने योग्य जो मनुष्य हैं उसकी जीवन की साध्य, यहाँ पर अर्थ की माने वो क्या साधना चाहिए, उसके साध्य क्या है, क्या उपलब्ध करने की प्रयास करना चाहिए, तो उसके लिए चार वस्तुओं का निर्धारण किया है। यही कि जीवन की कल्याण के लिए दो और परलोक जीवन के कल्याण के लिए दो। यही कि जीवन के लिए काम माने इस जीवन की सुख सुविधाओं को ठीक तरह से उपयोग करना और उसके साधन के लिए अर्थ, संसाधन, संपत्ति, पैसा, ये दो चीज़ एक जीवन की पुरुषार्थ में गिना गया। और एक जीवन लघु है, जितना भी जिएंगे 100 साल के आसपास ही जिएंगे, बहुत कुछ हुआ तो 104-105-110 साल तक जिएंगे, उसमें भी बचपन का 10-12 साल बहुत कुछ एक जीवन के सुख को भोग करने के योग नहीं रहते हैं। वृद्धावस्था में 80 से ऊपर हो जाएंगे तभी वो उपयोग करने की क्षमता नहीं रहते हैं, तो उस बीच में 50-60 वर्ष की जो कि लघु जीवन है वह व्यवस्थित रूप से रहें और संसाधनों को उपयोग करें। संसाधनों को उपयोग करते हुए अपने को स्वस्थ रखें, भूखा ना रहें, नंगे ना रहें और आवास की अभाव ना हो और अपने परिवार को अच्छे तरह से पोषण करने के लिए संसाधन उपलब्ध किया जा सकें। एक जीवन की जो सुख हैं उसको काम का शब्द दिया है, क्योंकि यह हमारा जिस धातु में, त्रिधातु की, या जिस जगत में हम रहते हैं इसको काम जगत कहते हैं। काम, रूप, अरूप, तीन जगत की कल्पना है भारतीय दर्शनों में, तो उसमें हम काम जगत में रहते हैं, तो रूप, गंध,
शब्द और स्पर्श रस, इनको हम अच्छे तरह से उपयोग कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, तो जिसके लिए कुछ संसाधन चाहिए। ये दो पुरुषार्थ यही के जीवन के लिए हुआ। और दीर्घ काल के लिए, क्योंकि जीवन लघु हैं, क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, तो इसलिए इस लघु जीवन के अंदर बहुत बड़ा अर्थ साधना की संभावना नहीं है। और जितना भी हम सुख समझते हैं वह भी यथार्थ में सुख नहीं है, क्योंकि वो स्थाई नहीं है। किसने किस समय में जा कर के उससे हम छूट जाते हैं या वो विघटित होता है, नष्ट होता है, तो जब नष्ट होता है तो उससे दुख होता है। तो इसलिए स्थाई सुख या स्थाई शांत, सुख दुख से ऊपर उठ करके स्थाई शांत अगर हम कामना रखते हैं, वो तो रखते ही हैं, सभी व्यक्ति स्थाई सुख चाहते हैं और कोई भी दुख नहीं चाहते हैं। कोई भी दुख नहीं चाहते हो, स्थाई सुख चाहते हो, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि इस सांसारिक जगत की बंधन से मुक्त हो जाए और स्वाधीन हो जाए, कर्म और क्लेश के अधीन होकर के बार बार इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़े, तो उसको मोक्ष का नाम दिया है। उस प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसका हेतु या साधन धर्म का सेवन करना, धर्म का पालन करना, ये कहा गया है। तो भारतीय पद्धति में जो चतुर्थ पुरुष अर्थ गिना गया है, जिसमें तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों इस जीवन से जो साध्य हैं, इस जीवन से हम प्राप्त किया जा सकता है, वो ये चार वर्ग में दर्शाया गया है। और जिसको यथार्थ में पुरुषार्थ माना जाना चाहिए, ये चारों पुरुषार्थ को साधने के लिए अनिवार्य हैं स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चित्त। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चित्त दोनों हम खो बैठेंगे तो ना तो काम का उपयोग कर पाएंगे, ना मोक्ष की साधना कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी एक पुरुषार्थ के रूप में रख सकते हैं या उसके साधन के रूप में रख सकते हैं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चित्त। स्वस्थ शरीर भी आधुनिक समय में जहाँ पर पीने के लिए अप्रदूषित कोई जल भी नहीं मिलता हो, सांस लेने के लिए अप्रदूषित हवा भी नहीं मिलते हो, वैसे परिस्थिति में शरीर को स्वस्थ रखना एक सरल काम नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की जो कार्य हैं वो भी बेपार हो गए हैं। आज सारे जो हम एक ही कदम या हमारा कोई भी हिलेंगे डुलेंगे तो व्यापार के बगैर कोई भी काम नहीं चलता है। तो इसको भी उद्योग का, स्वास्थ्य उद्योग का नाम दिया है, तो उस उद्योग में हमको जाना पड़ेगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो चित्त या मन स्वस्थ कैसा रह सकते हैं?
मन हमेशा जिदु कृष्णमूर्ति के शब्द में कहा जाए तो कंडीशनिंग, हजारों प्रकार की जो दबाव हैं, कंडीशनिंग हैं, उससे हमारे मन को चारों तरफ बाह्य शक्तियों ने अपने अपने अनुकूलित कर दिया है। तो हम अपने पास अनुकूलित कोई चीज़ रह नहीं गए, तो इसलिए ये चार पुरुष अर्थ को साधने की क्षमता हमारे पास संभवतः मनुष्य होते हुए भी उपलब्ध नहीं, ऐसा लगने लगता है, जो सोचने की विषय है। अगर कोई व्यक्ति चाहे हम उसको उपलब्ध करेंगे और इस दबाव में नहीं रहेंगे, अपनी स्वाधीनता को, स्वराज को पुनः स्थापित करेंगे, ऐसा किसके पास इच्छा हो तो इस संभावना तो है, लेकिन इच्छा उत्पन्न ना हो इसका व्यवस्था इस बाजार व्यवस्था ने कर रखे हैं। सारे संतुलन को बिगाड़ करके जिस असभ्यता में हमें अभी घिसट रहे हैं, उसमें ये सब सोचने की, करने की संभावना और अवकाश दोनों बहुत कम लगने लगा है। प्रस्तावना में कहा गया है कि अपना शरीर में बाम लगा करके आत्महत्या करने वाले लोगों का क्या समझ है, तो वह भी अपने दृष्टि से, अपने विचार से अपने पुरुषार्थ को साध रहे हैं, ऐसा विचार करके वो जाते हैं। अन्यथा इतना बड़ा कम अपने प्राण को अपने हाथ से समाप्त करने की जो मूर्खता है, वो जब तक हमारा मन बहुत गहराई से प्रदूषित नहीं किया गया हो, अनुकूलित नहीं किया गया हो, तो नहीं, संभव नहीं है। तो ये जो जीवन की अर्थ को भूल जाना और अर्थमय जीवन जीने से भटक जाना, ये दोनों का कारण हमने चित्त की स्वाधीनता को विभिन्न माध्यम से समाप्त कर दिया जाने के कारण हो गया है या हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बहुत लोग इस असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने जो विचार हैं या शास्त्रों की वांग्मय से जो विचार आते हैं, तो वो ये आपके सामने रख रहा हूँ। चतुष्पुरात की संक्षेप विवरण देने के बाद अतिशा की जो त्रिपुरुषों के वेद का थोड़ा सा जिक्र करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पुरुषार्थ को साधने के लिए जो यही कि जीवन का काम और अर्थ हैं, वो तो सब लोग साधते ही हैं। आतिशा ने उसको पुरुषार्थ में गिना नहीं। उनका कहना ये है कि जो यही कि जीवन का सुख सुविधाएं जुटाना, वो मनुष्य की विशेषता नहीं है, वो पशु जगत में भी उसकी क्षमता है। मनुष्य की विशेषता तो
परलोक जीवन का सुधारने की कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने तीन पुरुषों का कल्पना किया, आदम पुरुष, मध्यम पुरुष और महापुरुष। आदम पुरुष उसको रखा गया यही कि जीवन की सुख सुविधा के साधना साधन जुटाने के बाद परलोक जीवन की चिंता करते हैं और परलोक जीवन की जीवन को सुधारने की और अभ्युदय की आश्वासन पाने के लिए कुशल कार्य करने वाले। अभ्युदय माने अगले जन्म, अच्छे जगत में या मनुष्य के रूप में या देवता के रूप में अगला जन्म लेने की जो चेष्टा करते हैं, जिसके लिए कुशल कार्य संपादन करते हैं, उसको आदम पुरुष कहा गया है। और मध्यम पुरुष उसको कहा गया है अपने मोक्ष मात्र साधने के लिए जो कार्य करते हैं, शील समाधि प्रज्ञान का साधना करते हैं, जिससे बौद्ध परिभाषिक शब्द में अरहंत पद या प्रत्येक बुद्ध पद को प्राप्त करने की मात्र स्वयं इस जगत की बंधन से मुक्त होने की साधना करते हैं, उसको मध्यम पुरुष कहा गया। और महापुरुष उसको कहा गया है जो समस्त जगत के हित के लिए, संपूर्ण जीवधारियों के हित के लिए, सत्वों के हित के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की अभिलक्षा रखते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करके समस्त जगत की सेवा करने की इच्छा रखते हैं वह महापुरुष हैं, ऐसा कहा गया है। या उसको आध्यात्मिक शब्दों से हटा करके साधारण बोलचाल में कहें तो एक और दूसरे एक दृष्टिकोण हो सकता है। एक अहिंसक जीवन खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दिया जाए, किस पर हिंसा ना हो, वह एक साधारण जीवन के रूप में। मध्यम पुरुष के जीवन के रूप में दूसरों को शोषण करके दूसरों की कीमत पर, मूल्य पर अपने जीवन को साधना, वो पुरुष तो नहीं कहेंगे, वो मनुष्य की जीवन की या अर्थरहित जीवन जैसा माना जा सकता है। और संपूर्ण दूसरों की सेवा के लिए, परहित के लिए जीता है, वो अर्थमय जीवन कहा जा सकते हैं। त्रिपुरुष के लक्षण जो आतिशा ने दिया है उस हिसाब से अधम, मध्यम और महापुरुष वो तीनों का जीवन अर्थमय जीवन कहने में कोई आपत्ति नहीं होंगी। या साधारण शब्द में कहा जाए तो स्व पर समता की दृष्टि से कोई जीवन जीता है वो अर्थमय हैं, और परहित मात्र के लिए जीवन जीता है वो महाअर्थपूर्ण, महाअर्थमय जीवन हैं, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मुझे ऐसा लगता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
ऐसा शैक्षणिक कार्य के लिए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था और मेरे पास समय भी नहीं थे। यात्रा से श्रृंखला में आते हुए यहाँ पहुँच गए और कुछ सुव्यवस्थित विचार भी नहीं थे। वांग्मय में या धर्म दर्शन में जो कुछ हमने देखा है उसको संक्षिप्त रूप में आपके सामने निवेदन किया हूँ और इस पर आपका प्रतिक्रिया, टिप्पणी या कुछ प्रश्न हो तो अध्यक्ष की अनुमति से आगे चलेगा। आपके ध्यान के लिए मैं आभारी हूँ। जय जगत।